भगवान ने कहा चार प्रकार के लोग मुझे शरणागति देते हैं। सबसे पहले वो मुझे शरणागति देते हैं जो दुखी हैं, दूसरा जिन्हें धन की आवश्यकता है, तीसरा जिन्हें जिज्ञासा है, चौथा जिन्हें ज्ञान, जो ज्ञान के आधार पर मुझे शरणागत होते हैं। तो अर्जुन पूछता है इन सब में से चारों में से सबसे प्रिय कौन है, सबसे आपको क्लोज कौन लगता है, जो डियर है, हु इज द मोस्ट डियर आउट ऑफ दीज फोर। एंड देन व्हाट कृष्णा रिप्लाइज, भगवान कहते हैं जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, जो ज्ञान के आधार पर चलता है। तो हमें ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करनी है, मन के आधार पर नहीं। माइंड जो है वो इस जगत का है, वो भौतिक जगत का है, वो हमें विचलित करता है, वो ट्रांसेंडेंटल चीजें नहीं समझ पाता है। ट्रांसेंडेंटल चीजें वो हैं जो भगवान से जुड़ी हैं, जो भगवान से कनेक्टेड है। सो ट्रांसेंडेंटल चीजें भगवान से कनेक्टेड है, माइंड मटेरियल वर्ल्ड का है वो कैसे समझेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले माइंड को, मन की सफाई करनी है, चित्त की सफाई। जब चित्त का मार्जन होता है, सफाई होती है, उसमें कहा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जब निकल जाते हैं तब जाकर मन साफ होता है। और फिर जब मन साफ होता है तो वो भगवान की बात को इम्बाइब कर पाता है, समझ पाता है, वो इस बात को ऊपर चलने को तैयार होता है। सो अंटिल द माइंड इज क्लीन वन कैन नॉट वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, वो उस आध्यात्मिक जीवन को अपना नहीं सकता है।